अस्सलाम वालेकुम, हाय, दिस इज मोइन। दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बफर इन लिविंग सिस्टम के बारे में, एंड वी आल्सो डिस्कस द बफरिंग इन ब्लड, मतलब कि आपका ब्लड किस तरह से आपकी बॉडी का पीएच मेंटेन रखता है और अपना पीएच किस तरह से मेंटेन रखता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो एज वी नो के दिस इज अ बायोकेमिस्ट्री सीरीज, मतलब हम लोग इस पूरी सीरीज में जितने भी वीडियोज हम लोग ऑन द ऑर्डर बना चुके हैं उसमें हम लोग बायोकेमिस्ट्री ऑफ वाटर को डिस्कस कर रहे हैं, और उस वीडियोस के अंदर हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स विच इज लिंक विद वाटर उसको डिस्कस किया है। सो अब इस वीडियो का मतलब कि अब उस सीरीज की एक वीडियो है। अच्छा, शुड बी रिमेंबर कि इस वीडियो से पहले हम लोगों ने बफर खुद क्या होता है, वो कैसे बनता है, वो कैसे परफॉर्म अपना फंक्शन करता है, वो क्या होता है बेसिकली, और उसका जो कॉमन इफेक्ट है और उसके जो मेकिंग है, उसकी जो कैपेसिटी है, उस तमाम चीज़ को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में, ठीक है। सो डू वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर कमिंग इन टू दैट, ताकि आपको ये जो बफर है ये इस कंडीशन में आपको समझ आ सके। ओके, सो बफर इन लिविंग सिस्टम को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि वाई वी नीड टू मेंटेन द पीएच इनसाइड द लिविंग सिस्टम, बिकॉज आपको पता है कि जो बफर होता है, बेसिकली बफर क्या होता है, व्हाट इज अ बफर, व्हाट इज अ बफर। सो एज वी नो कि बफर इज अ सब्सटेंस व्हिच मेंटेन्स पीएच, या इन शॉर्ट यू कह सकते हैं कि व्हिच रेजिस्ट पीएच चेंज, व्हिच रेजिस्ट चेंज इन पीएच, यानी कि एक ऐसी चीज, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन या एक ऐसा सब्सटेंस जो कि पीएच चेंज को रेजिस्ट करे, उसको हम लोग बफर कहते हैं। अच्छा, सो मेरा सवाल ये था कि व्हाई वी नीड टू मेंटेन द पीएच इनसाइड द लिविंग सिस्टम। आपको पता है कि लिविंग सिस्टम में जो मोस्टली चीजें होती हैं, इन लिविंग सिस्टम जो मोस्टली चीजें होती हैं, वो मोस्टली आया तो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर और फंक्शन के तौर पे बात कर रहा हूँ मैं, राइट, और या तो वो एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन ही है, मतलब कि ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, और आपको पता है कि अगर जो फंक्शनल प्रोटीन होते हैं उनको आप लोग इन ब्रॉडर टर्म्स आप उनको एंजाइम्स कह सकते हैं, ब्रॉडर नहीं, शॉर्टर टर्म्स में आपको उनको एंजाइम कह सकते हैं। तो ये जो प्रोटीन है और ये जो एंजाइम्स हैं, आपको पता है कि ये दोनों अमाइनो एसिड्स की अरेंज स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कि अमाइनो एसिड होते हैं इस तरह से, राइट, फॉर एग्जाम्पल दीज आर अमाइनो एसिड्स जिसको मैं इस तरह से सर्कल में कर रहा हूँ, राइट, These are your amino acids, और ये आपको पता है कि peptide bonds इस तरह से जुड़े होते हैं, right? अच्छा, अब आपको पता है कि जो amino acid की chain है, ये किसी भी protein या किसी भी enzyme में एक खास किस्म की conformation में arrange होती है, conformation। और वो जो conformation है, वो depend कर रही होती है इनके दरमियान की जो intra chain non covalent bonding है, जो conformation किस चीज पे depend करती है, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। अच्छा, अब नॉन कोवेलेंट बॉन्ड में फॉर एग्जांपल आपके पास मशहूर जमाना आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट, आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड जिसको आप लोग सॉल्ट ब्रिज भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट, और इसके अलावा आपके पास जो वैन डेर वाल फोर्सेस होती हैं, वैन डेर वाल। सो ये जो आपके पास इसकी कन्फर्मेशन है, ये इन शॉर्ट इसका जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर आप इसको कह सकते हैं, थ्री डी स्ट्रक्चर है, ये डिपेंड कर रहा होता है नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स के ऊपर, जो कि ये मैंने आपको सामने बताई। अब मसला ये है कि पीएच चेंज होने की वजह से ये जो आपके पास नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ये ब्रेक कर जाती हैं। व्हाई? बिकॉज ये जितनी भी नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है, ये डिपेंड कर रही होती है आयोनिक कैरेक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल, आयोनिक कैरेक्टर, ये इन शॉर्ट आप इसको पी के ए से समझ सकते हैं, मतलब कि आपको पता है कि पी के ए इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, जो कि बराबर होता है उसकी कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन के, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन के, और अपॉन उस एसिड की अपनी कंसंट्रेशन के। मतलब कि आपको पता है कि जो वीक एसिड्स होते हैं, राइट, वीक एसिड पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो पाते, मतलब कि वीक एसिड्स में आता है आपके पास इक्विलिब्रियम, तो वो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किसी भी वीक एसिड का, वो है पीके, मतलब कि पीके बताता है कि कितना एसिड, मतलब कि कितना ये जो एसिड है ये डिसोसिएट कर सकता है, राइट। सो इन शॉर्ट ये कि जब आप यहाँ पर पीएच चेंज करते हैं, तो पीएच, व्हाट इज पीएच बेसिकली, पीएच इज व्हाट, मोस्टली लोगों को तो यही नहीं पता होता कि पीएच क्या है, एक्चुअली पीएच इज एक्चुअली नेगेटिव लॉग टू द कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। सो मतलब कि अगर एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन चेंज होगी, राइट, सो उससे होगा ये
कि जो आपके पास पीएच है वो चेंज हो सकता है। मतलब कि अगर पीएच चेंज होगा तो क्या चेंज हो रही होगी, तो कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। यानी अगर पीएच चेंज होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन भी चेंज होगी, और अगर कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन चेंज होगी तो क्या होगा, तो उस एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं राइट, जिनके ऊपर डिफरेंट किस्म के फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, जिसको आप लोग आर के नाम से जानते हैं इफ यू रिमेंबर सो आर, सो उसके ऊपर जितने भी आयनिक ग्रुप्स होते हैं वो अपने प्रोटॉन्स लूज एक्सेप्ट करते हैं, और जब ये लूज या एक्सेप्ट करते हैं तो ये जितने भी बॉन्ड्स हैं जो कि उसकी आयनिक कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, उनके टूटने का खतरा होता है, और जब ये टूटती हैं तो इनके स्ट्रक्चर्स मेंटेन नहीं रह पाते, और जब स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रह पाते तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, और अगर फंक्शन नहीं परफॉर्म होगा तो लाइफ आपकी खतरे में पड़ जाएगी। यानी इन शॉर्ट ये कि आपकी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि जो पीएच है वो मेंटेन रह सके, ताकि जितने भी आपके पास प्रोटीन्स हैं, जितने भी आपके पास पीएच डिपेंडेंट सब्सटेंसेस हैं, वो आपके पास अपना फंक्शन ऑप्टिममली परफॉर्म कर सकें राइट। तो ये थी इंपॉर्टेंस पीएच की, कि व्हाई वी नीड टू मेंटेन द पीएच। अब आइए बात करते हैं कि लिविंग सिस्टम में कौन कौन से आपके पास बफर्स हैं, और इसके अलावा जो वाटर का फंक्शन है एज अ बफर इटसेल्फ राइट, उसको भी डिस्कस करते हैं, तो आगे डिस्कस करते हैं। सो एज वी नो कि जो आपके पास वाटर है H2O, वाटर इसकी जो नेचर है, मतलब कि आइदर इट इज एसिडिक और इट इज बेसिक, असल में ये दोनों है, जिसको आप लोग कहते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब कि इट कैन एक्ट एज अ एसिड प्लस इट कैन एक्ट एज अ बेस। अच्छा, अभी एम्फोटेरिक क्या है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, मैंने आप पीछे भी बताया था कि इन तमाम चीज़ों को पीछे हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं। एसिड को भी डिटेल में डिस्कस किया है, बेस को भी डिटेल में डिस्कस किया है, एम्फोटेरिक को भी डिस्कस किया है, हर चीज़ को डिस्कस करके आ चुके हैं। अब यहाँ पर इनके फंक्शन समझते हैं राइट। अच्छा, सो मैंने बताया कि H2O मॉलिक्यूल इज एम्फोटेरिक, विच इज मीन्स इट इज एन एसिड प्लस इट इज एन बेस। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि H2O मॉलिक्यूल्स कैन आल्सो एक्ट एज अ बफर, यानी H2O कैन एक्ट एज अ बफर इटसेल्फ। आइए देखते हैं किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि जो आपके पास H2O है, समटाइम ऐसा होता है वो किसी दूसरे H2O के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और आया तो ये एज अ एसिड बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो मैं इक्वेशन लिख ही देता हूँ, H2O प्लस H2O होगा कुछ यूँ कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब कि ये वीक रिएक्शन होगा, ठीक है, और इनमें से कोई एक H2O हाइड्रोजन आयन को, मतलब कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, सॉरी H3 पॉजिटिव, और दूसरा उसको डोनेट करेगा, यानी OH नेगेटिव राइट। अगर मैं इस इक्वेशन को सिंपली करके लिखूं तो मैं कुछ यूं लिखूंगा कि H2O इज गोइंग टू गिव अस वन प्रोटॉन प्लस वन OH नेगेटिव। अच्छा, ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी है इसको आपने नोट करना है, क्योंकि यही इक्वेशन आपको समझाएगी कि हाउ द वाटर इज गोइंग टू मेंटेन द pH। अच्छा, सो व्हाट डू यू मीन बाय pH चेंज? बेसिकली आपको पता है कि pH चेंज का मतलब होता है, मतलब कि pH क्या है, नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन राइट। सो pH चेंज मतलब कि इसको चेंज करो, यानी इसको या तो बढ़ाओ या कम करो, यानी कि चेंजिंग pH मींस चेंजिंग दिस H पॉजिटिव आयन राइट। अच्छा, सो आइए इसको चेंज करके देखते हैं, और देखते हैं किस तरह से ये जो वाटर ये मेंटेन करता है। अच्छा, आपको पता है कि जो वाटर की डिसोसिएशन है, इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब कि इट्स अ वाटर इज आल्सो वाटर इज अ वीक बेस प्लस वाटर इज अ वीक एसिड, मतलब ये दोनों आपके पास वीक हैं, वाटर इज वीक। एक बात याद रखिएगा, वाटर इज वीक मतलब कि इसकी जो डिसोसिएशन है वो रिवर्सिबल है, मतलब कि वाटर टूट सकता है H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव में भी, और OH नेगेटिव वापस जा सकते हैं और मिलकर वाटर बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ये जो pH है उसको चेंज करता हूँ, मतलब कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, यानी प्रोटॉन की कंसंट्रेशन, प्रोटॉन की अगर मैं इंक्रीज करता हूँ फॉर सपोज, ठीक है, तो इंक्रीज किया मैंने H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, तो pH क्या हुआ, pH नीचे चला गया, मतलब टूवर्ड्स एसिडिक चला गया, pH इज गोइंग टू डाउनवर्ड्स। अब जब मैंने यहाँ इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज की, तो आपको पता है कि जब यहाँ इंक्रीज हुआ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, तो जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो H पॉजिटिव इज गोइंग टू कंबाइन विद OH नेगेटिव, एंड ये वापस H2O पीछे की तरफ जाएगा और आपके पास H2O मॉलिक्यूल बनेगा, और जब H2O मॉलिक्यूल वापस बनेगा मतलब कि यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, मतलब कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हुई, और अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो pH वापस से नॉर्मल चला गया, सिंपल। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कम कर दूँ, फिर देखते हैं फिर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल H पॉजिटिव इज गोइंग टू डिक्रीज राइट देयर, यानी कि pH इंक्रीज हुआ अभी, ठीक है, जब H पॉजिटिव इज गोइंग टू डिक्रीज, बेसिकली डिक्रीज, अगर इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई तो इसकी कंसंट्रेशन को वापस मेंटेन रखने के लिए H2O मॉलिक्यूल इज गोइंग टू ब्रेक इनटू H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाएगा प्रोटॉन में और OH नेगेटिव में,
तो एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन जो कम हुई थी वो वापस से बढ़ जाएगी, और एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन कम होने से जो पीएच इंक्रीज हुआ था वो वापस से डिक्रीज हो जाएगा, मतलब नॉर्मल में आ जाएगा। सो दिस इज हाउ H2O इज एक्टिंग एज अ बफर। और आपको पता है कि इसकी जो कंसेंट्रेशन है लिविंग सिस्टम में वो अप टू 70-90% है, मतलब कि इट्स सफिशिएंट इन अमाउंट। लेकिन आपको पता है कि जो वाटर है ये बफर तो है लेकिन इतना अच्छा बफर नहीं है। सो मींस दैट के वी नीड सम मोर डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स टू मेंटेन द पीएच ऑफ लिविंग सिस्टम, बिकॉज आपको पता है कि जो पीएच है लिविंग सिस्टम का वो बहुत सेंसिटिव होता है, वो छोटे से चेंज से चेंज हो सकता है, तो मतलब कि एक काफ़ी नहीं है, और भी चाहिए। सो और देखते हैं कि लिविंग सिस्टम में और हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं। सो अगर आपने ज्विटरआयन का नाम सुना हो, तो ज्विटरआयन को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि वो किस चीज से बनता है। सो आपको पता है कि अमीनो एसिड होते हैं, राइट? अमीनो कहें आप पर है, अमीनो एसिड्स, राइट? तो जो आपके पास प्रोटीन्स के मोनोमर्स होते हैं, प्रोटीन्स मोनोमर, जिनका स्ट्रक्चर अगर मैं कुछ बनाने की कोशिश करूँ, सो इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दैट COOH। अगर मैं इसको मजीद खोल कर लिखूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। OH नेगेटिव देयर एंड डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन आ गया, अगर सही से बन जाए तो ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक अमाइन ग्रुप आ गया, और यहाँ पर हमारे पास एक रेडिकल, दिस इज योर अल्फा कार्बन, अल्फा ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज आप पता है कि केमिस्ट्री में वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसको आप लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। अच्छा, सो दिस इज योर अमाइनो एसिड। अब ज्विटरआयन क्या है? ज्विटरआयन इज द कंडीशन ऑफ अमाइनो एसिड इन विच बोथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड एंड बोथ अमाइन ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड आर इन आयोनाइज्ड फॉर्म, मतलब के जो COOH है वो अपना प्रोटॉन लूज कर देगा और अमोनिया अपना एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज आपको पता है कि जो आपको COOH है इट इज एसिडिक इन नेचर, मतलब कि इट्स अ प्रोटॉन डोनर, और ये आपके पास बेसिक है, बिकॉज आप पता है ये अमोनिया है ना, ये अमोनिया से है अमाइन, तो अमोनिया इज बेसिक, राइट? अच्छा, सो अगर इसके जो स्ट्रक्चर है आपके पास ज्विटरआयन का, अगर उसको बनाने की कोशिश करें, सो इट विल बी समथिंग लाइक दैट, देयर इज H, there is a COO, there is negative, इसने एक प्रोटोन लूज कर दिया, ठीक है, एंड देर इज योर अमाइन एन एच थ्री पॉजिटिव एंड देर इज योर रेडिकल ग्रुप। अच्छा, सो दिस स्ट्रक्चर बेसिकली इज नोन एज योर ज्विटरआयन, दिस इज योर नोन एज योर ज्विटरआयन। आई थिंक ज्विटर इज द नेम ऑफ केमिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस आयन। अच्छा, अब देखते हैं कि, अच्छा आपको पता है कि जो ज्विटरआयन है इट कैन आल्सो एक्ट एज बफर, मतलब कि ये भी पीएच को मेंटेन कर सकता है, बफर किस तरह से? फॉर एग्जांपल, अच्छा सो पहले तो बात करते हैं कि ये जो ज्विटरआयन की कंफर्मेशन है अमाइनो एसिड की किस पीएच पे एग्जिस्ट करती है। अच्छा, सो मोस्टली ये पीएच 7 के अराउंड जब आपके पास होता है किसी भी एनवायरमेंट में तो आपका जो फ्री अमाइनो एसिड है। अच्छा, एक और बात, कोई भी अमाइनो एसिड ज्विटरआयन नहीं बन सकता, ये खासियत सिर्फ और सिर्फ फ्री अमाइनो एसिड के लिए है, मतलब ओनली जो आपके पास फ्री अमाइनो एसिड होते हैं इट कैन एक्ट एज अ ज्विटरआयन, बिकॉज आपको पता है कि जब अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है तो उसका जो अमाइन है और उसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप है वो दोनों के दोनों एक पेप्टाइड बॉन्ड में यूज होते हैं, तो अगर वो यूज होंगे तो वो फ्री नहीं होंगे, बल्कि फ्री नहीं होंगे तो किस तरह से अयोनाइज करेंगे, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्री अमाइनो एसिड आर गोइंग टू एक्ट एज अ बफर। अच्छा, सो मैंने बात की कि जो फ्री अमाइनो एसिड होता है वो पीएच 7 के ऊपर इस कंफर्मेशन में होता है, तो आइए अब इस पीएच से हम लोग चेंज करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये एच पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है जो कि पीएच को चेंज करने में उसका रोल है उसको किस तरह से मेंटेन रखते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि अगर मैं पीएच को डिक्रीज करता हूं, तो ये क्या बिहेव करेगा? पीएच डिक्रीज करने का मतलब ये है कि जो आपके पास एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज कर दिया जाए, तो अगर इसके एनवायरनमेंट में बहुत बहुत सारे एच पॉजिटिव आयन आएंगे, बिकॉज आपने इंक्रीज किया ना, तो अगर इंक्रीज किया तो यहाँ तो आएंगे, तो जब आएंगे तो इसका जो नेगेटिव एंड है जो कि एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है वो क्या करेगा, वो इन प्रोटॉन्स में से किसी एक को एक्सेप्ट कर लेगा और इसके ऊपर जो आयन का जो चार्ज है नेगेटिव का ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये वापस से जो कार्बोक्सिलेट से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, राइट? अच्छा, सो यानी कि जब पीएच इंक्रीज हुआ तो अमाइनो एसिड ने यानी ज्विटरआयन ने वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि अगर ये इंक्रीज किया तो इसने एक्सेप्ट करके एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम कर दी, क्योंकि ये
किस तरह से कम हुआ, बिकॉज ये अभी एच पॉजिटिव नहीं रहा, ये हाइड्रोजन बन गया, यानी कि एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन क्या हुई, कम हुई। और अगर एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन वापस से कम हुई तो यानी पीएच वापस से ऊपर गया, इन शॉर्ट वहां गया जहां पर वो मेंटेन हो गया, मतलब कि पीएच डिक्रीज हुआ था, ऊपर जाके वो मेंटेन हो गया। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन को वाकई कम कर देते हैं, मतलब कि अब इसकी कंसेंट्रेशन जो है वो कम हो गई एनवायरनमेंट के अंदर, तो तब देखते हैं कि तब आपके पास जो ज्यूटेराइन है वो किस तरह से वापस उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज करता है। सो ये आपके पास एच पॉजिटिव आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो कम हो गई। तो उस केस में जब आपके पास एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन कम हो गई तो उस कंसेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ज्यूटेराइन का अमाइन ग्रुप है वो अपना जो एक प्रोटोन उसने एक्सेप्ट किया था बाय गिविंग हिम इट्स लोन पेयर, वो उसको रिलीज आउट कर देगा, यानी इट विल रिलीज आउट इट्स प्रोटोन। तो डिक्रीज किया था ना आपने एच पॉजिटिव आयन, तो इसने अपना प्रोटोन लूज करके उसको वापस से ऊपर ले आया, यानी कि जो एच पॉजिटिव आयन डिक्रीज करने की वजह से जो आपका पीएच ऊपर गया था वो इसने एच पॉजिटिव आयन दे के वापस वो नीचे ले आया, यानी इन छोटी है कि पीएच मेंटेन करते हैं। और पीएच मेंटेन किया, सो इफ अ सब्सटेंस इज गोइंग टू मेंटेन योर पीएच, सो इट इज व्हाट, बफर। सो अमाइनो एसिड्स का जो ज्यूटेराइन है वो भी आपके पास जो एज अ बफर वाले फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके अलावा आपके पास एक और अमाइनो एसिड होता है जिसको आप लोग हिस्टिडीन कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो दिस हिस्टिडीन आल्सो हैव द एबिलिटी टू एक्ट एज अ बफर, क्योंकि आपके पास आप देख सकते हैं कि जो इसका अमाइन ग्रुप है, मतलब इसकी जो नाइट्रोजन चेन के ऊपर, मतलब कि इसकी चेन के ऊपर हिस्टिडीन के अंदर जो आर ग्रुप की जगह चेन लगी है वहां पर जो ये नाइट्रोजन है, इट कैन एक्सेप्ट एंड डोनेट प्रोटॉन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन के उसके इर्द गिर्द एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है। अगर ज़्यादा होगी ठीक है तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा एच पॉजिटिव को, ठीक है, और अगर कम होगी तो वो एक्जैक्टली वो डोनेट कर देगा। सो दिस इज हाउ योर अमाइनो एसिड्स एंड योर वाटर इज एक्टिंग एज अ बफर। अब आइए बात करते हैं कि पी एच का पी के ए के साथ, यानी अगर पी एच चेंज होगा तो हम लोग पी के ए को देख कर किस तरह से पता लगा सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो अपना प्रोटोन लूज करेगा या एक्सेप्ट करेगा। आइए बात करते हैं। सो अब आइए बात करते हैं रिलेशन of pH with pKa। अच्छा, सो आपको पता है कि जो pH है, pH it is changeable, मतलब कि इसको आप चेंज कर सकते हैं, changeable, बिकॉज ये डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन इन द सिस्टम, एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन के ऊपर किस में, सिस्टम। लेकिन जो pKa है ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर इट इज व्हाट, इट्स कॉन्स्टेंट, मतलब ये चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, सो अब हम ये देखते हैं कि जब आप पीएच चेंज करोगे तो पीकेए को देखकर आप किस तरह से बता सकते हो कि एक सब्सटेंस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा या वो प्रोटॉन लूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल एक सब्सटेंस है, एक मॉलिक्यूल में बनाता हूँ ए बी सी एंड डी। अच्छा, सो फॉर एग्जाम्पल इस वक्त इसका जो पीकेए है, पीकेए वो है आपके पास इक्वल्स टू 4। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि इसका जो बी पोर्शन है, जो इसका बी पोर्शन है वो एसिडिक इन नेचर है, वो क्या है, एसिडिक इन नेचर, मतलब कि इसमें एच पॉजिटिव आयन को लूज करने की, इसको लूज करने की टेंडेंसी है, राइट, मतलब कि ये एच पॉजिटिव आयन को लूज कर देगा एट अ पर्टिकुलर पीएच। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए इस वक्त आपके पास पीएच है 7, पीएच कितना है 7। अच्छा, पीएच 7 का मतलब ये कि विद रिस्पेक्ट टू दिस पीकेए इक्वल्स टू 4, विद रिस्पेक्ट टू दिस पीकेए इक्वल्स टू 4 इसका जो एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन है वो कम है। यानी कि एक बात आप लोग याद रखेंगे, जो आपके पास पीकेए है इफ इट इज लेस देन पीएच, राइट, तो जो सब्सटेंस है, मतलब कि जो आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी सब्सटेंस है, इट इज गोइंग टू लूज इट्स प्रोटॉन, लूज प्रोटॉन, क्योंकि पीके इसके पीएच से कम होने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर पीएच ज्यादा है, अगर पीएच ज्यादा है तो मतलब कि एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन सिस्टम में कम है। पीएच ज्यादा होने का क्या मतलब होता है, बिकॉज पीएच इज व्हाट, पीएच इज नेगेटिव टू द लॉग ना, पीएच इज नेगेटिव टू द लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन, यानी कि अगर पीएच ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन कम है, और अगर सिस्टम में एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन कम है तो ये पीकेए जिसका कम है, राइट, वो अपना प्रोटॉन लूज कर देगा। और जब कभी भी जो पीकेए है वो पीएच से ज्यादा होगा, पीएच से ज्यादा होगा, यानी पीएच अभी विद रिस्पेक्ट टू दिस पीकेए कम है,
यानी कि पी के विद रिस्पेक्ट टू पी एच इज ज्यादा, मतलब पी के ज्यादा है पी एच से, मतलब कि पी एच कम है। पी एच कम होने का मतलब क्या है कि एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, और अगर ज्यादा है तो इट विल गोइंग टू गेन एच पॉजिटिव आयन, राइट। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि जब कभी भी ये जो रिलेशनशिप मैंने यहाँ पर लिखा है इसको आप लोगों ने याद कर लेना है। आई होप सो कि आप नोट बना रहे होंगे, और अगर नोट बना रहे हैं तो आप इसको नोट कर ले, मैं आप इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। व्हाट द रिलेशन इज व्हेन एवर पीके इज लेस देन पीएच सब्सटेंस इज गोइंग टू लूज प्रोटोन, इसको आप लोग कह सकते हैं डी प्रोटोनेशन। इसको आप लोग क्या कहेंगे? डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन किसको? इसको, यानी कि इसने डी प्रोटोनेट किया, लूज किया एच पॉजिटिव आयन, और इसको इसको क्या कहेंगे एग्जैक्टली? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन यानी स्टेटमेंट में आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आई नीड स्पेस ताकि मैं इसको ब्रॉडली लिख सकूं। आई होप सो कि आपने नोट कर लिया होगा। लेट मी राइट, आप लोगों ने ये साथ में लिखना है ताकि आपको याद रखें। पी के ए व्हेन इट इज लेस देन पी एच, राइट, सो सब्सटेंस इज going to deprotonate, यानी के lose proton। पर अगर इसका उल्टा, यानी अगर पी के ज्यादा है पी एच से, सो अगर यहां पर deprotonated तो सब्सटेंस इज गोइंग टू बी protonated, यानी के accept as positive। So this was the relationship in between pKa and pH, और ये बताता है कि किसी भी सब्सटेंस के pKa को देखकर आप बता सकते हैं कि अगर pH चेंज किस तरह का किया जाए। अगर pH उससे ज्यादा हो तो वो क्या करेगा? अगर pH उससे ज्यादा हो, राइट, तो वो deprotonate होगा, और अगर pH कम हो, राइट, यानी कि pKa बड़ा हो pH से, तो वो प्रोटोनेट करेगा, यानी एक्सेप्ट करेगा। और अगर pH बराबर हो pKa के, यानी pKa इज गोइंग टू इक्वल pH, सो सब्सटेंस एग्जिस्ट इन नेचुरल स्टेट, मतलब कि ना तो वो इन नेचुरल स्टेट, मतलब ना तो वो लूज करेंगे और ना ही वो एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, सो दिस वॉज इट विद द रिलेशनशिप ऑफ pKa एंड pH। अब आइए बात करते हैं ब्लड बफर, यानी कि बायकार्बोनेट बफर सिस्टम के बारे में। आइए बात करते हैं। सो भाई, ये बात करते हैं बफरिंग इन ब्लड के बारे में। सो एज वी नो कि जो आपके पास ब्लड है उसका पीएच भी आपको मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा, आपको पता है कि जो आपके पास ब्लड का पीएच है, पीएच ऑफ ब्लड इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 7.4। सो आपको इतना पीएच आपके ब्लड के अंदर आपको लाजमी मेंटेन करना पड़ता है, बिकॉज आपको पता है कि आपकी बॉडी में जितने भी वाइटल फंक्शंस हैं, जितने भी वाइटल साइंस हैं, दे आर गवर्न्ड बाय दिस 7.4 पीएच। हल्का सा भी इससे ऊपर नीचे हुआ काम तमाम। अच्छा, कहते हैं कि अप टू प्लस माइनस 0.05 जो आपके पास ब्लड में चेंज इन पीएच है, राइट, वो आपके पास मेंटेनेबल है, मतलब उसको मेंटेन किया जा सकता है, मेंटेनेबल। लेकिन अगर प्लस माइनस 0.5 से ज़्यादा का पीएच चेंज हुआ तो आपको ये बहुत ख़तरे की अलामत होती हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए, अगर जो आपके पास ब्लड का पीएच है, पीएच ऑफ ब्लड, यानी जो आपके पास चेंज इन पीएच ऑफ ब्लड है, चेंज इन पीएच ऑफ ब्लड वो कुछ इतना हुआ कि जो आपके पास ब्लड का पीएच है वो 7.35 से नीचे गिर गया, तो इस कंडीशन को आप लोग कहते हैं एसिडोसिस, बिकॉज ये एसिडिक की तरफ जा रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एसिडोसिस। ये मोस्टली तब होता है, आया तो आपको बहुत सिवियर डायबिटीज हो, राइट, या तो आप स्टारवेशन में हो, मतलब आपने बहुत दिनों से कुछ खाया ना हो, अप टू मंथ्स स्टारवेशन। दोनों केसेस में होता यह है कि स्टारवेशन में और डायबिटीज़ के अंदर भी आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है, ठीक है, उसको आपकी बॉडी एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ करती है, तो उसके नतीजे में आपके पास कीटोन बॉडीज बनती हैं। क्या बनती हैं? कीटोन बॉडीज, यानी ऐसे सब्सटेंस जो कि कीटोनिक होते हैं, छोड़िए कि कीटोन बॉडीज के आने से आपके ब्लड के अंदर जो आपके ब्लड का पीएच है
राइट वो डिक्रीज कर जाता है बिकॉज दे आर गोइंग टू डोनेट इट्स प्रोटोन. अच्छा अगर आपके पास जो चेंज इन ब्लड पीएच है, जो आपके पास चेंज ऑफ ब्लड पीएच ठीक है, वो अगर आपके पास 7.45 से ऊपर चला जाए तो इस कंडीशन को आप लोग कहते हैं एल्कलोसिस. एल्कलोसिस तब होते हैं मोस्टली जब आप जो है वो आपने बहुत ज्यादा सिवियर वॉमिटिंग की हो. क्या की हो? सिवियर वॉमिटिंग. वॉमिटिंग मीन्स उल्टी करना, यानी आप बहुत ज्यादा उल्टी करते हैं तब आपको जो है वो एल्कलोसिस होता है. अच्छा एल्कलोसिस जो वर्ड आया हुआ है एल्कली से. एल्कली फॉर एग्जाम्पल अल्कली मेटल आपने सुना होगा, अल्कली मेटल्स राइट. जो आपके पास ग्रुप है 1A उसका दूसरा नाम है अल्कली मेटल्स राइट. सो अल्कली मीन्स वाटर सोल्यूबल बेस. वाटर सोल्यूबल बेस राइट. यानी अगर आप यहां देखें दोनों केसेस में, यानी 7.45 को भी और 7.35 को भी, तो यहां पर जो चेंज इन पीएच है वो 0.05 से ज्यादा है. तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्लस माइनस 0.05 से ज्यादा का पीएच चेंज, मतलब कि सॉरी प्लस माइनस 0.05 के इर्द गिर्द का पीएच चेंज, फॉर एग्जांपल अप टू प्लस 0.05 अगर आपका पीएच चेंज होता है, यानी 7.35 तक जाता है और या तो 7.45 तक जाता है, दोनों केस में इट इज प्लस माइनस 0.05. दोनों केस में इट इज, मैं अगेन लिख लेता हूँ ताकि आपकी वाजे नजर आए, प्लस माइनस राइट. सो दिस प्लस माइनस 0.05 इज मेंटेनेबल. सो भाई बात करते हैं कि वो क्या चीज है जो कि ब्लड का पीएच मेंटेन करती है. तो जिस तरह से आप ऊपर हेडिंग में देख सकते हैं HCOO नेगेटिव, जिसको आप लोग बायकार्बोनेट कहते हैं. बायकार्बोनेट ओके. सो ब्लड बफर. सो बेसिकली ब्लड के अंदर जो सब्सटेंस आपका एज अ बफर काम करता है वो है आपका कार्बोनिक एसिड, यानी H2CO3, और जिसकी कॉन्जुगेट बेस है जिसको आप लोग बायकार्बोनेट कहते हैं, विच इज HCO3 नेगेटिव राइट. सो दिस बेसिकली इज गोइंग टू मेंटेन द पीएच ऑफ योर ब्लड. लेकिन इसकी जो मेंटेनेंस का काम है ये इतना आसान है नहीं, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक दूसरा बफर लूँ, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लड बफर विच इज आपके पास बायकार्बोनेट. फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि मैं एक बफर लेता हूँ विच इज HCN राइट. आपको पता है कि ये एक वीक एसिड है ठीक है, और ये जो है इट्स गोइंग टू डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव आयन प्लस साइनाइड आयन राइट. और आपके पास में इसकी कंजुगेट बेस की जगह, आपको पता है कि कंजुगेट बेस एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी जगह में एग्जैक्टली सॉल्ट लेना पड़ता है. तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सॉल्ट लेता हूँ KCN. KCN एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है बिकॉज ये तो वीक है, लेकिन जो K है ये KOH से आई विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. सो इट्स गोइंग टू कम्प्लीटली डिसोसिएट एंड इनटू K पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव. ये एक बफर है, मतलब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है HCN की डिसोसिएटिव प्रोडक्ट्स और KCN के डिसोसिएटिव प्रोडक्ट्स, ये दोनों के दोनों बफर हैं. अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इक्विलिब्रियम है, यानी मोस्टली बफर्स में ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ वन इक्विलिब्रियम ओनली. लेकिन ब्लड बफर में इस बायकार्बोनेट बफर कब से एडवांस चीज आप समझ सकते हैं, विच इज एडवांस ठीक है, कि इसके पास तीन इक्विलिब्रियम्स हैं, यानी कि तीन रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि इक्विलिब्रियम डिपेंडेंट हैं और वो तीनों के तीनों पीएच मेंटेन करने में इन्वॉल्वड हैं. सो भाई समझते हैं कि वो क्या है राइट. सो फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए मैं आपके पास ब्लड में कंसीडर करता हूँ एक यही बायकार्बोनेट बफर का सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि दिस इज योर कार्बोनिक एसिड H2CO3 एंड एज वी नो कि ये एक वीक एसिड है, इट्स गोइंग टू डिसोसिएट इनटू प्रोटॉन प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस HCO3 नेगेटिव राइट. अच्छा सो ये है आपके पास उस ब्लड के अंदर जो वीक एसिड है उसका पूरी आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन ठीक है. अच्छा सो ये जो H2CO3 है ये कहाँ से आया? जो आपके पास कार्बोनिक एसिड है वो आता है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी कि ये जो आपके पास कार्बोनिक एसिड है वो आया आपके पास कहाँ से? डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड से. बिकॉज आपको पता है कि आपके जो ब्लड का एक वाइटल फंक्शन है वो ये है कि इसने कार्बन डाइऑक्साइड को आपकी बॉडी से बाहर लेके जाना है और ऑक्सीजन को अंदर लाना है. तो यानी ब्लड में हमेशा से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिजॉल्व फॉर्म में होती है राइट. सो वो जो डिजॉल्व फॉर्म में होती है वो जो है वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो बनाती है H2CO3. यानी व्हेन इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर,
सो इट्स गोइंग टू फॉर्म व्हाट H2CO3। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में है, डिसॉल्व फॉर्म में, ये एक और इक्विलिब्रियम में है विच इज विद एग्जैक्टली कार्बन डाइऑक्साइड इन गैशियस स्टेट जो कि आपके लंग्स में होती है। तो तीन इक्विलिब्रियम आ गया, 1, 1, 2, 3। सो आपके पास, आपके लंग में, आपके लंग्स के एयर स्पेसेस में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपके जब ब्लड में आती है और डिसॉल्व होती है वो आपके पास आती है कार्बन डाइऑक्साइड में, राइट। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में है वो आपके पास कन्वर्ट होती है H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड में व्हेन इट रिएक्ट्स वाटर, और वो जो H2CO3 है वो इन टर्म्स अगेन ब्रेक हो सकता है इनटू H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव। तो ये आपके पास तीन इक्विलिब्रियम है जो कि आपके पास उस ब्लड के पीएच को कंट्रोल करते हैं। सो भाई ये देखते हैं कि इस इक्विलिब्रियम में हम लोग किस तरह से देखते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम है तीन, ये किस तरह से ब्लड का पीएच मेंटेन करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग इन तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम्स को उनके इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स अलॉट कर देते हैं ताकि बाद में हमें समझने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए इसका जो है वो है K1, इसका जो है वो है K2 और इसका जो है वो है K3। अच्छा एक और बात, सो जो आपके पास H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड का जो आपके पास pKa है, यानी के pKa किसका इस इक्वेशन का, वो है आपके पास अप टू 6.37। और आपको पता है कि कोई भी बफर जो है वो प्लस माइनस 1 pH चेंज को मेंटेन कर सकता है। यानी कि एक बफर में आप प्लस 1 pH चेंज करें, यानी उसका जो pH है वो बढ़ा दें या कम कर दें, तो अगर उसका जो pH चेंज है, चेंज राइट, अगर वो हाली प्लस 1 pH है, यानी 1 यूनिट ऑफ pH है, फॉर एग्जांपल इफ अ बफर हैज pKa इक्वल्स टू 6, राइट, तो अगर आप उसका pH चेंज नेगेटिव 1 करेंगे मतलब 5 कर देंगे और 7 कर देंगे मतलब पॉजिटिव 1 करेंगे, तो इन दोनों केसेस के अंदर बफर हैड द एबिलिटी टू मेंटेन द पीएच। लेकिन अगर जो आपके पास पीएच चेंज है वो प्लस माइनस 1 से ज्यादा है, मतलब प्लस माइनस 1.1 है, 1.2 है, तब उसके लिए मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर आप देखें तो ये जो ब्लड का पीएच है वो इसके पीकेए से प्लस माइनस के रेंज में आता है, बिकॉज इफ इट इज गोइंग टू प्लस 1 सो वो आपके पास बनाएगा 7.37 जो कि 7.35 से ज्यादा है। मींस के ये जो आपके पास कार्बोनिक बफर, इट इज द परफेक्ट बफर टू मेंटेन द ब्लड पीएच, राइट। सो फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि इस बफर सिस्टम में हम लोग पीएच चेंज करते हैं, वी आर गोइंग टू चेंज द पीएच। अच्छा लेकिन सपोज कीजिए कि इस इक्वेशन को आसान करने के लिए हम लोग इनको इनकी मीडियम में बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि इसको जो है वो समझने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए ये आपका लंग है, क्या है, लंग, राइट। अच्छा एंड फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि इस लंग के साथ ये आपकी पूरी की पूरी जो है वो ब्लड वेसल है, ठीक है। आपको पता है, सो आपको पता है कि जो आपके पास कार्बोनिक एसिड है H2CO3 वो आपके पास इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, इक्विलिब्रियम में आपके पास आपके प्रोटॉन के साथ, ठीक है, मतलब इसके अपने प्रोटॉन के साथ, और प्लस इसकी जो कॉन्जुगेट बेस है विच इज HCO3 नेगेटिव उसके साथ। लेट मी मेड अ बिट क्लियर ताकि आपको समझने में आसानी हो, HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। और आपको पता है कि जो आपके पास ये H2CO3 है ये आपके पास फर्दर इक्विलिब्रियम में किसके साथ, डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इट इज इन इक्विलिब्रियम विद कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व, और ये जो डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है ये फर्दर इक्विलिब्रियम में है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड इन गैशियस फेज, राइट। अच्छा सो लेट अस चेंज द पीएच। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि हम लोग पीएच को डिक्रीज करते हैं, पीएच इज गोइंग टू डिक्रीज, मतलब कि आपके पास जो एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन है वो एग्जैक्टली बढ़ गई। सो अगर यहाँ पर इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ गई तो आपको पता है कि जो K1 है, K1 दिस इज गोइंग टू बी डिस्टर्ब, तो जब K1 डिस्टर्ब होगा इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ने से तो ये इक्विलिब्रियम वापस इस तरफ मूव करेगा, यानी कार्बोनिक एसिड की जो कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज करेगी, और अगर कार्बोनिक एसिड की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो K2 वाला इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, यानी कि इट विल मूव फर्दर टुवर्ड्स डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, और जब ये डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ पर इस इक्विलिब्रियम में इस डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, मतलब कि K3 डिस्टर्ब हुआ, और जब K3 डिस्टर्ब होगा तो ये जो डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है ये गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी इनसाइड योर लंग, और यहाँ से ये आपके बॉडी के एग्जैक्टली बाहर। सो दिस इज सिंपल बट कॉम्प्लेक्स आल्सो। सो आपके पास जो यहाँ पर पीएच डिक्रीज किया था बिकॉज ऑफ द इंक्रीमेंट इन एच पॉजिटिव एंड कंसेंट्रेशन, वो वापस से जो पीएच है वो ऊपर जाके नॉर्मल को मैच कर जाएगा,
एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी गो डाउनवर्ड एंड यूर पी एच इज अगेन मेंटेन. यानी हुआ क्या, यहाँ से एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ी, ठीक है. जब यहाँ पर ये वाला इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, मतलब कि जब के वन डिस्टर्ब हुआ, के वन, ठीक है, तो ये मूव किया बैकवर्ड्स. जब ये बैकवर्ड मूव किया तो यानी इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी. जब इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो के टू डिस्टर्ब होगा. यानी जब के टू डिस्टर्ब होगा तो इसकी कंसेंट्रेशन जब बढ़ जाएगी, मूव करेगा टूवर्ड्स डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब ये डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ मूव करेगा तो के थ्री डिस्टर्ब हो जाएगा. जब के थ्री डिस्टर्ब हुआ तो इसको अगेन वहां तक, यानी कि के थ्री को अनडिस्टर्ब या फिर नॉर्मल करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इज गोइंग टू कन्वर्ट इन टू कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसियस फॉर्म, और यहाँ से आपकी बॉडी के आउटवर्ड यानी बाहर चली गई. फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि अगर हम लोग एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन कम करते हैं, मतलब कि पीएच बढ़ाते हैं, तो क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन कम की, राइट, तो यहाँ से जो एच टू सी ओ थ्री है ये टूटेगा, बिकॉज के वन डिस्टर्ब हुआ. यानी जब ये चेंज हुई, एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन कम होने की वजह से ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, राइट. यानी कि एच टू सी ओ थ्री इज गोइंग टू ब्रेक इन टू कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन एंड प्रोटोन. तो जब यहाँ से इसकी कंसेंट्रेशन कम होगी, तो जब इसकी कंसेंट्रेशन, मतलब कि एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन नीचे गई, तो मोर एंड मोर डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड आर गोइंग टू मूव इनवर्ड एंड इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू कार्बोनिक एसिड बाय रिएक्टिंग विद वाटर. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इन डिजोल्व फॉर्म की कंसेंट्रेशन कम हुई, तो के थ्री डिस्टर्ब होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसियस फॉर्म है वो कन्वर्ट होगा आपके कार्बन डाइऑक्साइड इन डिजोल्व फॉर्म में. और इस तरह से जो आपके पास पीएच डिक्रीज इंक्रीज किया था बाय द डिक्रीमेंट इन एच पॉजिटिव आयन, तो एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन बाय द ब्रेकेज ऑफ दिस कार्बोनिक एसिड वापस इंक्रीज कर गई, और जो पीएच इंक्रीज किया था वो वापस नीचे आ गया, एंड यू हैव मेंटेन्ड योर ब्लड पीएच. सो मोस्टली आपने ये भी देखा होगा कि जब कभी भी आप एक्सरसाइज करते हैं, राइट, तो आपको सांस चढ़ती है, राइट, बिकॉज आप पता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है. लैक्टिक एसिड यानी कि जब एसिड बनेगा तो एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी. तो जब एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, अगर आपको पता है थोड़ा सा, तो आपकी बॉडी में जो आपके पास एरोटा होती है उसमें होती है आपके पास कैरोटिड बॉडीज, कैरोटिड एंड एरोटिक बॉडीज. जो आपके पास कैरोटिड बॉडी होती है वो आपके ब्लड के अंदर आपका पीएच जो है वो सेंस रखती है, मतलब कि दे आर द पीएच डिटेक्टर ऑफ योर ब्लड. तो जो आपके पास जो कैरोटिड बॉडीज होती हैं वो आपके जो लंग्स हैं उसको ये सिग्नल देंगी कि सांस तेज तेज ले. आपको पता है ना, जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपको तेज तेज सांस आता है, बिकॉज आपके ब्लड का पीएच डिक्रीज होता है. इससे आपकी कैरोटिड बॉडीज आपके लंग को ये सिग्नल देते हैं कि यू हैव टू ब्रीथ फास्टर. जब आप फास्टर फास्टर ब्रीथ करते हैं, राइट, तो जो आपके पास आपकी लंग में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया था बिकॉज ऑफ दिस इक्विलिब्रियम, बिकॉज अगर ये बढ़ा तो ये बढ़ेगा, यानी कि H2CO3 इंक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन दिस इक्विलिब्रियम. बिकॉज अगर ये बढ़ा है तो इसको कम करने के लिए इसने इस तरफ मूव करना है, और अगर ये बढ़ा है तो ये बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ा है तो ये बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ा है तो इसको कम करने के लिए आपकी बॉडी ने सिग्नल के तौर पर आपके ब्रेन को कहा कि भाई लंग को कहो तेज तेज सांस ले, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपकी बॉडी से बाहर चल जाए. सो दिस इज हाउ बेसिकली योर बॉडी मेंटेन्स योर पीएच. देखें कितना कॉम्प्लेक्स है ये, कितना कॉम्प्लेक्स है ये आपके पास बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम. This is how your blood pH is going to maintain. So this is how आप लोग ये भी देखते हैं कि during exercise आपको कितना आपको सांस चढ़ती है. What was the reason? सांस चढ़ने का मतलब जो मकसद होता है, जो आपके पास फायदा होता है, वो ये होता है कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी बॉडी में गैसियस फॉर्म में, ये आपके पास हुए वो कम होती है. So basically this was it with this whole video. I hope so कि आपको ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना आपको समझाने की कोशिश की, समझ आया होगा. So thank you so much. If you like this video, so please share this video with your friends and anyone जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा. टेक योर सेल्फ. गुड बाय.